1 BHK की रीसेल की प्रॉपर्टी है दोस्तों। प्रोजेक्ट का नाम है स्पान वैलेंसिया, जिसके मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा इस बिल्डिंग का एलिवेशन कैसा है, एंट्रेंस लॉबी कैसा है, मेन एंट्रेंस गेट दिखाऊंगा, फ्लैट दिखाऊंगा, एमिनिटीज दिखाऊंगा। साथ ही साथ मैं ड्यूरिंग वीडियो ही आपको बताते चले जाऊंगा कि इसके आसपास की फैसिलिटीज क्या है, आसपास की एमिनिटीज क्या है, क्या क्या चीज़ें आसपास में अवेलेबल है, कितने डिस्टेंस पे कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल है, ये सारा कुछ मैं ड्यूरिंग वीडियो में ही आपको बताऊंगा दोस्तों। मैं विकास वरनवाल, चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी डीलर मुंबई से स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। दोस्तों आइए मैं पहले आपको फ्लैट दिखाता हूं, फिर बाद में मैं इसका डिटेल मैं बात करूंगा दोस्तों। ये मेन एंट्रेंस है स्पान वैलेंसिया का और सामने ही बिल्डिंग का एलिवेशन आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत एलिवेशन है इसका और सामने मेन रोड है। जब आप एलिवेशन इससे स्पान वैलेंसिया से बाहर निकलते हैं तो अभी हम चलते हैं आपको अंदर दिखाते हैं किस टाइप का है। ये इसका स्पेस है, जितना ये फ्रंट में स्पेस है उतना ही बैक साइड भी है बिल्डिंग के बैक साइड में। ये इसका एंट्रेंस लॉबी है, बहुत ही खूबसूरत एंट्रेंस लॉबी बनाया हुआ है। बिल्डिंग 4 से 5 साल हो चुका है बट अभी भी काफी बढ़िया मेंटेन है ये, आगे मैं बताऊंगा। इसमें जो 1 BHK की प्रॉपर्टी, एक्चुअली इसमें 1 BHK और 2 BHK दोनों टाइप की प्रॉपर्टी सेल के लिए है। 2 हाई स्पीड लिफ्ट है इसमें, इस तरफ और 2 हाई स्पीड लिफ्ट उस तरफ है। बीच में इसका एक स्टेयरकेस है और 2 हाई स्पीड लिफ्ट इस तरफ है इसमें। अभी हम डायरेक्ट चलेंगे फ्लैट देखेंगे किस टाइप का है। ये इसकी 1 BHK की प्रॉपर्टी है और इसमें 2 BHK भी सेल के लिए है। 2 BHK भी अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो तब हमें फोन करें, हम उसमें भी आपको हेल्प करेंगे प्रॉपर्टी परचेस करवाने में। ये इसका लिविंग डाइनिंग एरिया है, ये इसके लिविंग डाइनिंग एरिया में बालकनी दिया हुआ है और काफी बढ़िया ओपन व्यू है इसका। आप देख सकते हैं सामने कोई ब्लॉकेज नहीं है, सनलाइट एयर आपको प्रॉपरली मिलता है। फ्लैट नीट एंड क्लीन मेंटेन किया हुआ है। किचन एरिया है इसका, सामने प्लेटफॉर्म है, गैस पाइपलाइन, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट सब इसका आ चुका है। मॉड्यूलर किचन बना हुआ है और इसमें एक बड़ी बालकनी भी है करीबन 4 से 5 फुट का, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। स्पैन वैलेंसिया काफ़ी एक बढ़िया नाम है सोसाइटी का, छोटी सोसाइटी है, फुली मेंटेन, बहुत बढ़िया सोसाइटी है। एक बार आप आके देखें तो आपको समझ आएगा। बहुत सारे लोगों की चॉइस होती है कि हमें बड़े कॉम्प्लेक्स में नहीं रहना है, छोटे सोसाइटी में रहना है, बहुत लोगों के बीच में नहीं रहना है, तो उसके लिए ये काफ़ी बढ़िया सोसाइटी है। और ये इसका कॉमन वॉशरूम है, इसमें टॉयलेट एरिया बाथ एरिया दोनों का सेपरेट सेपरेट किया हुआ है, अंदर ही वॉश बेसिन भी दिया हुआ है। ये इसका मास्टर बेडरूम है, मास्टर बेडरूम देखें तो काफ़ी बड़ा और स्पेसियस है। मास्टर बेडरूम एंट्री करते ही फ्रंट में आपको वॉशरूम मिलता है, इसमें भी बेसिन, टॉयलेट कमोड और बाथ एरिया को सेपरेट किया हुआ है। इसमें भी बड़ी बालकनी है, इसमें 2 से 3 फुट की। इसका भी ओपन व्यू है और विंडो के साइड से मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये मैं पैसेज दिखाता हूँ आपको किस टाइप का पैसेज है। फ्लैट के सामने ही दोनों लिफ्ट आ जाता है और हर एक फ्लोर पे 8-8 फ्लैट है इसमें। इसका स्टेयरकेस है, सब दिखाने के बाद मैं डिटेल में बात करूंगा। ये नीचे का पूरा स्पेस है आप देख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर का। सेम एज इट इज बच्चों के लिए किड्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया दिया हुआ है और इतना ही स्पेस बिल्डिंग के जस्ट बैक साइड में भी है।
जो आपने प्रॉपर्टी देखा 1 BHK का, इसमें 1 BHK की प्रॉपर्टी भी है और 2 BHK का भी रीसेल के प्रॉपर्टी है। 2 BHK का प्रॉपर्टी काफ़ी बड़ा और स्पेशियस प्रॉपर्टी है। इस दोनों प्रॉपर्टी के बारे में मैं इस वीडियो में इस प्रोजेक्ट के डिटेल में बात करने वाला हूँ। इसमें पूनम गार्डन के पास ये बना हुआ है, 9 माले का टावर है ये। हर एक फ्लोर पे 10 फ्लैट है, 2 लिफ्ट है और 2 स्टेयरकेस है। इसमें मिडिल फ्लोर पे फ्लैट था जो आपने देखा, 2 BHK भी मिडिल फ्लोर पे ही है। एम्प्टी फ्लैट है ये, OC रिसीव्ड है, MBMC वाटर रिसीव्ड प्रोजेक्ट है ये। पानी इसमें आ चुका है BMC का, गैस पाइपलाइन भी इसमें आ चुका है। रेसिडेंशियल इसमें फर्स्ट लेवल से स्टार्ट है, ग्राउंड फ्लोर पे कवर्ड पार्किंग और ओपन पार्किंग दिया हुआ है जो ऑलरेडी आप देख चुके हैं। बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन 6 साल के अंदर का ही बिल्डिंग है ये, 6 से 7 साल के अंदर का ही बिल्डिंग है। बिल्कुल आपने बिल्डिंग कितना मेंटेन है वो आप देख के समझ ही गए होंगे। सारे बैंकों से लोन इजीली हो जाएगा, जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहें, SBI, ICICI, एक्सिस, LIC, HDFC, ये सभी जो रिप्यूटेड बैंक हैं ये सबसे लोन हो जाएगा। और इनडायरेक्टली आप ये समझ जाएं कि 4-5 बैंकों से जब आपका लोन अप्रूव्ड हो जाता है, इसका मतलब है कि बिल्डिंग का प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर है, इसके वजह से ही इसमें लोन अप्रूव्ड हो रहा है। 1 BHK की प्रॉपर्टी जिसकी मैं बात कर रहा हूं, 485 स्क्वायर फुट का इसका कारपेट एरिया है, जिसका प्राइस 68 लाख है, यानी 68 लाख रुपया है। ओपन पार्किंग इसमें मिल जाएगा सोसाइटी की ओर से। और इसमें 2 और 2 BHK की प्रॉपर्टी है जिसका मुझे वीडियो निकालने नहीं मिला है, बट आपको बता दें इसमें प्राइसिंग 90 लाख और 1 CR के बीच में, 95 1 CR में 2 प्रॉपर्टी और भी है जो काफी बढ़िया स्पेसेस है। लगभग 750 कारपेट एरिया है उसका, 750 स्क्वायर फुट उसका कारपेट एरिया है। उसके लिए भी आप हमें फोन करें अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी स्पान वैलेंसिया में प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए। 2 BHK या 1 BHK दोनों की अवेलेबिलिटी हमारे पास है दोस्तों। एमिनिटीज में इसमें ओपन स्पेस दिया हुआ है, किड्स प्ले एरिया दिया हुआ है, सीनियर सिटीजन एरिया, ओपन स्पेस, जॉगिंग स्पेस, रनिंग स्पेस दिया हुआ है और पीछे के साइड ओपन पार्किंग, आगे के साइड ओपन पार्किंग है। कवर्ड पार्किंग इसमें अवेलेबिलिटी के अनुसार सोसाइटी में अवेलेबल होगी, उसके हिसाब से या फिर जो सेल करने वाले होंगे उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा। छोटी सोसाइटी है और काफ़ी मेंटेन सोसाइटी है। हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ लर्निंग की बात करता हूँ, जो भी मैंने सीखा है अपने इस प्रॉपर्टी फील्ड से 12-15 सालों से, उससे जो भी मैंने सीखा है इन्वेस्टर्स से, जो भी मैंने सीखा है यूजर्स से, हर एक एक्सपीरियंस मैं अपने वीडियो में एक एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। आज की जो मैं PIT की बात कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट टिप्स की बात कर रहा हूँ, कि बहुत लोग ये चाहते हैं कि उनको छोटी सोसाइटी में रहना हो, उनको ज़्यादा एमिनिटीज यूज़ नहीं करना हो, जैसे स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, जिमनासियम, हेल्थ क्लब, ये सब यूज़ नहीं करना हो, JQG, सोना, ये सब यूज़ नहीं करना हो, तो उनके लिए एक चीज ये समझ लेना चाहिए कि आप ऐसे सोसाइटी में प्रॉपर्टी खरीदें या ऐसे बिल्डर का कंस्ट्रक्शन देखें जिसमें आपको ये सब एमिनिटीज ना हो। स्टैंड अलोन बिल्डिंग होती है तो उसमें क्या होता है, छोटी सोसाइटी होती है, कम लोग होते हैं, तो किसी भी चीज के सोसाइटी में कुछ एक्स्ट्रा प्रोग्रेस करना हो, कुछ डेवलपमेंट करना हो, कुछ बनाना हो, कुछ पेंट वगैरह करना हो, जब कम फैमिली होते हैं, कहते हैं कि छोटा परिवार सुखी परिवार वाला हिसाब किताब है, कि छोटी अगर सोसाइटी होती है तो मुश्किल से 50 फ्लैट उसमें होता है और 50-25 फ्लैट में कुछ ही मेंबर मीटिंग में आते हैं और फटाफट डिसीजन हो जाता है। जहां 500-1000 फ्लैट होता है वहां पे दोस्तों आपको बता दूं सोसाइटी में कोई भी एक्टिविटी करने होते हैं तो 2-4 लोग 5 लोग 10 लोग भी अगर ऑब्जेक्शन ले लें तो वो काम काफी डिले होता चला जाता है। और काफी मीटिंग्स में तो मैं देखता हूं कि लोग फाइट करते हैं, आपस में बहुत बातें करते हैं, यहां तक कि झगड़ा भी हो जाता है। तो इन सब चीजों से अगर आप उठ के रहना चाहते हैं जिस सोसाइटी में, तो आप ऐसे सोसाइटी में घर लें। और छोटी सोसाइटी में घर लेने का एक और बेनिफिट ये है कि वहां पे आपको मेंटेनेंस बहुत कम आता है। जो हाई क्लास एमिनिटीज में आपको 6000-7000 आएगा, कहीं ना कहीं लो क्लास जिसमें एमिनिटीज नहीं होती है, सीधा आधे से भी कम मेंटेनेंस में फर्क पड़ जाता है दोस्तों। तो अगर कम मेंटेनेंस और शांति वाली सोसाइटी, शांति से आप रहना चाहते हैं, अगर आपके रियल लाइफ में एमिनिटीज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं है, बहुत ज्यादा आप स्विमिंग पूल, क्लब हाउस के लिए फ्रेंडली नहीं है या आपकी फैमिली उन चीजों के लिए फ्रेंडली नहीं है, तो आप एक बड़ी सोसाइटी में, बड़े कॉम्प्लेक्स में, हजारों फ्लैट के कॉम्प्लेक्स में रहना कुछ जरूरी नहीं है, बिकॉज वहां पे आपका मेंटेनेंस लॉस चला जाता है। जिनको हैबिट होती है जिम की, क्लब हाउस का, स्विमिंग पूल का, उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया बात है, फिर आप बड़े कॉम्प्लेक्स में लें। लेकिन अगर आपको इन चीजों की हैबिट नहीं है और ये चीजें आपके इस्तेमाल में नहीं है, तो आप ऐसे सोसाइटी में लें जहां आपको ये सब चीजें नहीं मिले, बट अच्छी सोसाइटी हो, मेंटेन सोसाइटी हो, प्राइम लोकेशन हो, टाइटल क्लियर हो, उसमें एक अच्छा आपको प्राइस की भी हाइक मिलता है और आपका मेंटेनेंस काफी सारा बच जाता है दोस्तों। ऐसा देखा है मैंने कि जब आप इन सब एमिनिटीज और फैसिलिटीज के साथ में घर लेते हैं, आपका मेंटेनेंस अच्छा खासा कट जाता है। अगर आप प्रॉपर्टी रेंट पे भी देते हैं तो
तो रेंटल इनकम तो लगभग सेम ही आता है। अच्छी सोसाइटी छोटी हो तो भी एवरेज देखें तो रेंटल इनकम सेम होता है, बट मेंटेनेंस आपका जो ज्यादा एमिनिटीज वाली सोसाइटी होती है उसमें ज्यादा चला जाता है, और जो छोटी सोसाइटी होती है जिसमें बहुत ज्यादा एमिनिटीज नहीं होती है उसमें मेंटेनेंस आपका कम लगता है, रेंटल इनकम आपका ज्यादा आ जाता है। अगर आप इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, 5-5, 10-10 फ्लैट, 2-2 फ्लैट, 4-4 फ्लैट लेते हैं और कुछ सालों के लिए छोड़ देते हैं, और फिर बाद में 4-5 साल में जब उसका भाव बढ़ जाता है तब आप बेचते हैं, तो वहां पे आपको रेंटल इनकम में ज्यादा फायदा हो जाता है क्योंकि वहां पे आपको मेंटेनेंस कम लगता है। दोस्तों ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कई लोगों के साथ, कई इन्वेस्टर्स, कई यूजर्स के साथ जो मैंने आपको शेयर किया। दोस्तों अब स्पान वैलेंसिया की कनेक्टिविटी की बात बता दूं कि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आप ये चीजें जरूर जान लें कि यहाँ पे रहने के बाद कौन सा चीज आपको क्या पास में गिरने वाला है, स्कूल, कॉलेज, सुपरमार्केट वगैरह, तो वो चीज सब समझ लें, उसके बाद आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए हमें फोन करें, हम पूरी हेल्प करेंगे आपको प्रॉपर्टी परचेस करने में। 2-5 मिनट के अंदर आप GCC इंटरनेशनल स्कूल, वेदांत इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज, US ओसवाल इंग्लिश अकेडमी, ज्योति ब्रिज शॉपिंग मॉल, मीरा भाईंदर रोड, विजय सेल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी मार्ट, वेजिटेबल मार्केट, बस स्टॉप, ऑटो रिक्शा स्टैंड, मेडिकल स्टोर, ग्रोसरी स्टोर, बैंक, ATM, स्टार मार्केट, एरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, GCC क्लब, राधिका मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड कलकिया पुलिस स्टेशन, PVR सिनेमा, ये सब 2-5 मिनट के अंदर आप यहाँ से रीच कर जाते हैं। अब थोड़े मैं डिस्टेंस की बात करूँ कि 10-45 मिनट के अंदर, 10-45 मिनट के अंदर मीरा रोड रेलवे स्टेशन, भाईंदर रेलवे स्टेशन, रॉयल कॉलेज, GMS स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, LR तिवारी इंजीनियरिंग कॉलेज, सेंट थॉमस चर्च, दहीसर चेकनाका, और बड़े बड़े ब्रांड के जो आउटलेट्स हैं, शोरूम्स हैं, जैसे पुमा, एडिडास, नाइकी, रिबॉक, पेंटालून, स्केचर, ये सब आप जो बड़े बड़े ब्रांड के जो शोरूम हैं जो हाईवे पे है वो भी यहाँ से मुश्किल से 10 मिनट में रीच कर जाते हैं आप। बाकी के गोरबंदर रोड, ठाकुर मॉल, बिग बाजार, मैक्सिस मॉल, ससाज मॉल, मल्टीप्लेक्स थिएटर, भक्ति वेदांता हॉस्पिटल, नेशनल पार्क, होटल दारास ढाबा, होटल फाउंटेन, होटल दिल्ली दरबार, गोराई बीच, ग्लोबल विपासना पेगोडा, वेलंगनी बीच, पाली बीच रिसोर्ट, SL वर्ल्ड, सूरज वाटर पार्क एंड वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे। तो मुंबई के जो मेन टूरिस्ट प्लेसेस और यूजर्स की चीज़ें हैं, जैसे 1-2 घंटे के अंदर आप रीच कर जाते हैं, जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, ओबेरॉय मॉल, माइंड स्पेस आईटी पार्क जो बहुत बड़ा आईटी हब माना जाता है मुंबई का, गोरेगांव फिल्म सिटी, बरसोबा बीच, जुहू बीच, अंधेरी, मड मार्वे बीच, पवई, पेंडाकोला कॉम्प्लेक्स यानी BKC उसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, सिद्धि विनायक मंदिर, हाजी अली दरगाह, माउंट मेरी चर्च, बांद्रा वर्ली सी लिंक, महालक्ष्मी मंदिर, वानखेड़े स्टेडियम, मरीन ड्राइव, लेमिंटन मार्केट, क्रॉफर्ड मार्केट, तारापुर वाला एक्वेरियम, गिरगांव चौपाटी, ताज होटल, गेटवे ऑफ इंडिया, कोलाबा, नरीमन पॉइंट एंड एलिफेंटा कैब्स, ये सब जो मुंबई की फेमस टूरिस्ट प्लेसेस और जगह है जो आप 1-2 घंटे में हार्डली रीच कर जाते हैं, डिपेंड ऑन ट्रैफिक। तो ये तो यहाँ के कनेक्टिविटी और फैसिलिटीज थी। हम आपको बताते हैं कि हमारी सर्विसेज के बारे में कि किस किस सर्विसेज के जरिए हम अपने कस्टमर्स को प्रॉपर्टी खरीदने में फायदा करवाते हैं, यानी फायदे की प्रॉपर्टी दिलाते हैं। जैसे हमारे बैंक की प्रॉपर्टी 30-40% डिस्काउंट पे आती है, और भी जो कई तरह के डिस्काउंटेड प्रॉपर्टी होती है, किन किन सर्विसेज के जरिए हम अपने कस्टमर्स को बेनिफिट करवाते हैं, आइए आगे सर्विसेज में हम समझते हैं। दोस्तों अब हमारी सर्विसेज की बात करें दोस्तों, तो हम लोग न्यू लॉन्चिंग, न्यू बुकिंग, अंडर कंस्ट्रक्शन, बैंक ऑक्शन प्रॉपर्टी और होम लोन में डील करते हैं। कभी कभी तो हमारे पास बैंक ऑक्शन की जो प्रॉपर्टी आती है कभी 40%, 50% डिस्काउंट पे होती है, और मैंने ऐसे काफी सारे लोगों को फायदा कराया है बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टीज उनको परचेस करवाने में। दूसरा, लॉन्चिंग प्रॉपर्टी जो होती है, बिल्डर जब प्रॉपर्टी नया नया लॉन्च करते हैं तो उनका अच्छा खासा एक प्राइज होता है जो बेस खड़ा करने के लिए उन्हें कुछ जो फ्लैट बेचना होता है, 200-500 फ्लैट बेचना, अगर एक प्रोजेक्ट में 1000 फ्लैट है तो उसमें एक 500 फ्लैट बेचने का टारगेट रहता है लॉन्चिंग पे, जो कि उनको पैसा अच्छा मिल जाए जिससे वो बेस पूरा तैयार कर सकें। दूसरा दोस्तों, अर्जेंट सेल, जिस तरह आप ये वीडियोस देख रहे हैं उसी तरह हजारों लाखों करोड़ों लोगों वीडियो देखते हैं हमारे, जिनको भी प्रॉपर्टी परचेस करना होता है, और अगर उन्हें प्रॉपर्टी सेल करना हो अर्जेंट में, उन्हें कुछ पैसे की जरूरत होती है, इस टाइप के प्रॉपर्टी हमारे पास आते रहते हैं, वो हमें सामने से फ़ोन करते हैं कि विकास जी हमें प्रॉपर्टी सेल करना है। तो दोस्तों जब ये प्रॉपर्टी सेल करना है उनको और वो हमें जब इन्फॉर्म करते हैं, तो ऐसे अर्जेंट वाली फ़ायदे वाली प्रॉपर्टी में हमेशा अपने YouTube चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनपाल पे शेयर करता रहता हूं। दोस्तों कभी भी जब आपको प्रॉपर्टी परचेस करना हो ऐसे फ़ायदे वाली प्रॉपर्टी, तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पे आपको मिलता रहेगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जब भी मैं ऐसे कोई फ़ायदे वाली प्रॉपर्टी डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका जल्द से जल्द फ़ायदा ले सकें। दोस्तों
अगर आप YouTube से ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है तो हमारा WhatsApp नंबर है 9619871855। हमारा दूसरा नंबर है 8070807099। ये दोनों नंबर हमारा WhatsApp पे है। इन दोनों नंबर पे आपका नाम, लोकेशन, रिक्वायरमेंट, बजट ये सब लिख के भेज दें, और जिस टाइप की आपकी प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट है दो लाइन में ब्रीफ लिख के भेज दें। इस टाइप के अगर हमारे पास फ़ायदे वाली या बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी, न्यू लॉन्चिंग की प्रॉपर्टी आती है तो मैं हमेशा अपने व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शेयर करता रहता हूँ। जब भी महीने, दो महीने, चार महीने में ऐसी प्रॉपर्टी आती है और ये 1-to-1 आपको ये मैसेज मिलता रहेगा। आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना होगा तो आप ये इन्फॉर्मेशन देख के आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसका फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है, आपके आसपास में जो फ्रेंड्स और फैमिली हैं उनको भी शेयर करें, ताकि अगर उन्हें भी ज़रूरत हो ये प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जो मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ वो भी जानना ज़रूरी है। आप दोस्तों कहीं से भी पैसे कमाते हैं, किसी भी वे से पैसे कमाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली अगर आपको कुछ भी इन्वेस्टमेंट का नॉलेज नहीं है तो आप प्रॉपर्टी टारगेट करते हैं कि हमें प्रॉपर्टी परचेस करना है। लेकिन प्रॉपर्टी परचेस करने से पहले इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदना है, किस तरह का प्रॉपर्टी खरीदना है, वो सब सावधानियों को आपको स्टडी करना, जानना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मैं शेयर करता ही हूँ। मेरे YouTube में बहुत सारे वीडियोस चल रहे हैं, हर एक वीडियो को आप देखें, हर एक वीडियो में अलग अलग नया नया टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिलेगा। जो प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके पहले आपको किन किन सावधानियों को रखना चाहिए, बरतना चाहिए। दोस्तों फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों मिलूंगा फिर से नए वीडियो के साथ, आऊंगा नए प्रॉपर्टी के इन्फॉर्मेशन के साथ आऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों हमें दीजिए इजाज़त। फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों।